A day before, Ravish Kumar traveled to Philippines to receive the prestigious Ramon Magsaysay Award. A video targeting the journalist was relentlessly shared on social media. The video attempted to show how Kumar was not critical of the UPA government when the GDP was at 5% in 2013, but has attacked the BJP when the GDP fell to 5% recently. कहीं हम जरूरत से ज्यादा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है, दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी बढ़ रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है, इसे छिपाने की तमाम कोशिशों के बीच आज जीडीपी के आंकड़े ने जख्म को बाहर ला दिया। 5% की जीडीपी इस बात की पुष्टि करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ चुकी है। The 2013 video of Kumar's broadcast was however clipped to present only 14 seconds out of the full 6.5 minutes of the segment. In the complete broadcast, Kumar can be heard criticizing the Congress government for economic slowdown. नमस्कार, मैं रविश कुमार। वर्तमान काल में देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, भविष्य काल में ठीक होने का अनुमान है। भूतकाल से तुलना करने पर, यानी जब भारत 8 या 9% के विकास दर से आगे जा रहा था, अर्थव्यवस्था का हर सूचकांक धीमी गति के समाचार की तरह प्रतीत हो रहा है। उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण, खेती सब ढलान पर है। हमारा झंडेबाज यानी फ्लैगशिप सर्विस सेक्टर भी लुढ़क कर 6.6% पर आ गया है, यानी होटल, पर्यटन आदि के क्षेत्र में भी तरक्की नहीं हो रही है। 2012-13 का आर्थिक सर्वे आ गया है, पता चल रहा है कि गुजरा वित्त वर्ष मुल्क और आपकी जेब के लिहाज से कितना मुश्किल रहा है। कोई भी सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा। वे भी क्या दिन थे जब भारत 8 या 9% के विकास दर से टाइगर समझा जाता था। कहीं ऐसा ना हो कि 5% के विकास दर पर दुनिया हमें या खुद हम अपनी नजरों से भारत को बकरी समझने लगे। क्या भारत की कहानी वाकई खत्म हो चुकी है? हम बाघ से बकरी पर आ गए हैं। यहाँ विकास के इस दर पर हम मैच को ड्रॉ किए हुए हैं। दुनिया भले हमारी तरफ न देख रही हो, मगर हमने हार को टाला हुआ है। क्या सरकार इस बजट से हमारे तेवर बदल देगी, आर्थिक सर्वे से चलेगी या राजनीतिक सर्वे से? बजट में वोट का जुगाड़ करेगी या नोट का? नोट का करेगी तो वोट के लिए या बजट के लिए? आर्थिक सर्वे हिंदी में भी है, इसकी हिंदी ध्यान से पढ़िएगा। पता चला कि अर्थशास्त्र समझने के चक्कर में हिंदी को लेकर ही कंफ्यूज हो गए। मिसाल के तौर पर लिखा है कि हालांकि भारत के हालिया अवमंदन के मूलभूत कारण अंशतः विदेशी हैं, घरेलू कारण भी महत्वपूर्ण हैं। सशक्त पश्च वित्तीय संकट अभिप्रेरक के परिणाम स्वरूप 9-10-10-11 में अपेक्षाकृत सुदृढ़ वृद्धि हुई है। फिर भी आपूर्ति पक्ष बाधाओं के साथ युग्मित खपत को बढ़ावा दिए जाने के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है। सरल टैक्स की तरह हिंदी सरल नहीं हो सकती थी? वैसे बजट का अंग्रेजी में भी वही हाल है। खैर, सर्वे कहता है कि उद्योग में 3.1%, मैन्युफैक्चरिंग में 1.9%, खेती में 3.4% से ही विकास हुआ है, जो अपने पहले के तमाम आंकड़ों से कम है। खेती में सुधार है मगर लक्ष्य से कम है, क्योंकि सर्वे बताता है कि साल 11-12 में कॉरपोरेट बुनियादी ढांचे में निवेश की रफ्तार धीमी हो गई। मौद्रिक नीति, जब पैसे, रुपया, ब्याज की जो नीति होती है, उसके कारण ब्याज दर में कमी नहीं आई। दुनिया के कई देश आर्थिक संकट से गुजरते रहे, आपकी कमाई कम हुई, आपने उपभोक्ता सामानों को कम खरीदना कम कर दिया। फिर यह हुआ कि कंपनियों को आपकी कम कमाई से सरकार की आमदनी घट गई। आप पैसा कम बचा पाए तो शेयर से लेकर बीमा तक में कम लगाया। गाड़ियां इतनी कम खरीदी कि कारों का उत्पादन अप्रैल नवंबर 11 में 23.2% था, वो अप्रैल नवंबर साल 12 में -5.6% हो गया। ब्याज बढ़ने से आपका पैसा ईएमआई में भी गया, आपके हाथ तंग हुए तो कंपनियों की मौज कम हो गई, उनकी कमाई कम हुई और दुनिया में भी उनका माल कम बिका, जिससे नौकरियां कम हो गई। मगर इस आर्थिक संकट में एक बात कमाल की हो गई, गरीबी कम हो गई। उसके बाद भी सरकार 70% की आबादी को भोजन की गारंटी देने जा रही है, जिस पर वो हजारों करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके साथ सरकार को वित्तीय घाटा भी कम करना है, ताकि दुनिया में हमारी साख यानी रेटिंग कम ना हो जाए, जिससे विदेशी निवेश घट ना जाए। तो सर्वे ने सुझाया है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से बढ़ाते रहिए। सब्सिडी को कम करना चाहिए। कैसे कम करेंगे, इसका भी उपाय है। फिर खाद्य सुरक्षा योजनाओं का क्या होगा, ये भी एक सवाल है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना का क्या होगा अगर आप सब्सिडी कम करेंगे तो? सर्वे कहता है कि जीडीपी में कर वसूली का अनुपात बढ़ाया जाए, जो हाल के दिनों में कम होता जा रहा है। कमा ही नहीं रहे हैं तो टैक्स कहां से देंगे?
चिंता मत कीजिए, सर्वे कहता है कि यह काम टैक्स बढ़ाकर नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाकर किया जाए। विकसित देशों के सुधरने की संभावना कम है, इसलिए ग्लोबल उम्मीद पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए। भारत को अपना घर देखना होगा और घर के भीतर की कमियों को दूर करना होगा। मतलब खेती पर ध्यान दीजिए, ब्याज कम कीजिए, वित्तीय प्रबंधन ठीक कीजिए। इस चुनावी साल में वित्त मंत्री अर्थशास्त्री होने की उम्मीद ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2008 के बजट में चिदंबरम ने यूपीए के लिए कितनी मेहरबानी दिखाई थी, इस बार क्यों नहीं करेंगे? और करेंगे तो क्या सर्वे का इसका क्या हाल होगा? इतनी तैयारी 300 पन्नों की। सर्वे लिखने वाले वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार रघुराम जी राजन की बात कौन सुनेगा, जिन्होंने कहा है कि भारत एक मुश्किल स्थिति में है। हम एक नमी वाले विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे पिच पर सूरज चमक रहा है वैसे हमारे अंदर की क्षमता भी अपना रंग दिखाएगी, लेकिन तब तक हमें आगे बढ़कर चौके छक्के लगाने की जगह अपनी स्थिति को देखते हुए सावधानी से खेलना होगा। इस उम्मीद का आधार क्या है? बजट 300 पन्ने के सर्वे से बनेगा या सरकार बनाने के लिए जरूरी 272 की संख्या को ध्यान में रखकर? कहीं हम जरूरत से ज्यादा, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर? क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है, दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी बढ़ रहे हैं। तो इन सब सवालों पर हम बात करेंगे प्राइम टाइम में। हर चीज ग्लोबल ग्लोबल है कि दुनिया में ये नहीं हो रहा है तो हम ये नहीं हो रहे हैं। कहीं इसमें आपको ये बात नजर आई आपको कि हमने क्या नहीं किया जिसकी वजह से हमें जो होना चाहिए था वो हम नहीं हो पाए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि पिछले साल में 2012 में 27 देश जो हैं 7% के ऊपर स्तर रिकॉर्ड किया उन्होंने। 27 देशों ने 7% से ऊपर। आप बता रहे हैं कि 27 देश ऐसे हैं जो 7% के दर से वो आगे चल रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कि इन आर्थिक जानकारों ने उन 27 देशों का जिक्र क्यों नहीं किया जो 7% से ज्यादा चल रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें जिम्मेदारी कहीं नजर आ रही है क्या कि क्यों ये हालत हुई? क्यों ना हम माने इस दस्तावेज को कि ये आपकी सरकार की हर वित्तीय नीति की नाकामी का दस्तावेज है, चाहे कोई भी सेक्टर हो। सिर्फ ग्लोबल संकट कहने से तो काम नहीं चलेगा सर।